सिराज मामा आपको सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा सोनी कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं नटराज विद्या निकेतन स्कूल बिलासपुर में पढ़ती हूँ। आपसे एक छोटी सी बात कहना है। आप हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, फिर कटनी जिले में छोटी महानदी में डैम क्यों बनवा रहे हैं? उसी डैम की वजह से हमारा विकास नहीं, हमारा विनाश हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा इतनी मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, किसी कदर हमारी जिंदगी खुशी खुशी चल रही है। आप हमारे भविष्य को नर्क क्यों बना रहे हैं? यदि डैम की वजह से हमारे स्कूल और घर में पानी आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? इस डैम की पानी के वजह से हमारे आने वाले भविष्य में पानी क्यों फेर रहे हैं? आप हमें जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिए हैं वो मत दीजिए। आप हमें जो स्कूल की फीस के लिए पैसे देते हैं वो मत दीजिए। आप हमें स्कूल जाने के लिए साइकिल देते हैं वो भी मत दीजिए। आप हमें दवाई के पैसे देते हैं वो भी मत दीजिए। आप हमें गरीबी रेखा का कोई लाभ मत दीजिए। लेकिन मामा जी, हमें हमारे घर से मत निकालिए। हाँ मामा जी, लेकिन एक उपकार कर दीजिए। कटनी जिले के महानदी में जो डैम बनने जा रहा है उसको निरस्त कर दीजिए। हमें धर धर भटकने से बचा लीजिए, यही विनती है।